पीएफ बैलेंस ऑनलाइन कैसे चेक करना है? हर कोई एम्प्लॉय का एक पीएफ अकाउंट नंबर जनरेट होता है, और उसके साथ उसका यूएएन नंबर जनरेट होता है, मीन्स यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिससे आप आपका हर कोई पीएफ के रिलेटेड जानकारी पा सकते हैं। लाइक आप अपना पीएफ ऑनलाइन विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू चेक पीएफ बैलेंस ऑनलाइन। सबसे पहले ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, epfindia.gov.in। ये साइट पे जाने के बाद इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है हमारे लिए। तो ये जो है मेंबर पासबुक करके, ये ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है पीएफ अकाउंट जानकारी के लिए। और ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें यूजर नेम होगा, ये आपका यूएएन नंबर होगा, और पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद एक कैप्चा आपको फिल करना है और लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज पे आपके पीएफ अकाउंट नंबर दिखेगा। अभी ये इधर तीन दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे तीन पीएफ अकाउंट नंबर थे। मेरे प्रीवियस कंपनी ने ये जो खोला था, एक करंट कंपनी ने खोला था। तो ऐसे अलग अलग पीएफ अकाउंट नंबर है, ऐसे ज़रूरत नहीं है अलग अलग पीएफ अकाउंट नंबर की। लेकिन जब आप पीएफ विड्रॉ करते हो कोई जॉब स्विच करने के बाद, और फिर नया एम्प्लॉयर नया पीएफ अकाउंट क्रिएट करता है, अदरवाइज आप अपना पीएफ बैलेंस प्रीवियस कंपनी का नए कंपनी में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट, जिसको जैसा चाहिए वैसा हम कर सकते हैं, सेम अकाउंट नंबर रख सकते हैं या हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है पासबुक, और ये है मेरा पीएफ अकाउंट स्टेटमेंट, जो ये उसका स्टेटमेंट है। मैं बता रहा हूँ, ये है एम्प्लॉय का शेयर, मतलब ये मेरे सैलरी में से जो पीएफ कटा है, और ये एम्प्लॉयर शेयर, मतलब ये कंपनी ने जो शेयर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किया है। और ये होता है पेंशन कंट्रीब्यूशन, और पेंशन भी एक पीएफ का ही पार्ट है। इसका स्टेटमेंट इस तरह से होता है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।